छात्राएं पहुंची एसपी कार्यालय, कहा धोखाधड़ी ठगी करने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एवं राशि हमें दी जाए वापस, लगाई गुहार। मंदसौर रेलवे स्टेशन रोड स्थित साइन पैरामेडिकल कॉलेज में पढ़ाया नहीं जा रहा और किसी कारणवश रोजाना यही स्थिति बनती है और जो टीचर हैं उनको वहां पर समय पर सैलरी नहीं देते, इसीलिए वह पढ़ाते नहीं हैं। और बताया कि हम सभी छात्राएं साइन पैरामेडिकल कॉलेज में बीपीटी नर्सिंग कोर्स हेतु अध्ययनरत है 5-6 माह से, किंतु अध्ययनरत होने के बावजूद न हमारी शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की पढ़ाई करवाई जाती है, हमसे अलग अलग प्रकार से गुमराह करके अलग अलग कार्यों के लिए रुपयों की डिमांड की जाती है। हमारे शिक्षा से संबंधित ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पूर्व कक्षाओं में अंक सूची, ग्रेजुएट की मार्कशीट जब्त कर रखी है व जबरन छात्रवृत्ति संस्था के उपयोग में आए, इसीलिए यह कॉलेज खोल रखा है। हमारे द्वारा डॉक्यूमेंट मांगने पर हमें डराया धमकाया जाता है व मैडम द्वारा अभद्र भाषा का उपयोग किया जाता है। इसकी रिपोर्ट पूर्व में दिनांक 20/12/2021 को शहर कोतवाली में व आजक थाने में दर्ज कराई थी, किंतु इतना समय होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। छात्रा आज महू नीमच मार्ग स्थित एसपी कार्यालय पहुंची और छात्राओं द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि हमारे डॉक्यूमेंट व रुपये पुनः दिलाने में हमारी सहायता करें, जिसे हम समय रहते सही जगह पर पुनः प्रवेश करा सके, ताकि हमारा भविष्य खराब ना हो और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए जो बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। पहले भी कई बार छात्र छात्राओं द्वारा शिकायत दर्ज कराई पर कोई सुनवाई नहीं हुई, ऐसा आरोप छात्राओं द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए लगाया गया है। छात्रा आज मंगलवार को एसपी कार्यालय 12:40 पर पहुंची। सर, मैंने शाइन पैरा मेडिकल कॉलेज, रेलवे स्टेशन रोड पे पैरा मेडिकल कॉलेज है, 1 साल पहले सर मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया था, लेकिन सर लगभग 8-9 महीने हो गए हैं वहाँ कॉलेज में, ना तो कोई पढ़ाई हो रही है। शिक्षक आते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन किसी ना किसी रीज़न की वजह से या तो उनको टाइम पर सैलरी वगैरह नहीं दे पाते हैं मैडम, तो वो भी हम ढंग से पढ़ाते नहीं है। उसके बाद मैडम ने कहा था कि आपके एडमिशन के 1-1.5 महीने के बाद ही हम आपको सिविल हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे, तो उसके बाद भी हमको सर ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा है, और ना ही कॉलेज में ना ही स्टूडेंट आते हैं ना पढ़ाई होती है। और मैडम ने पहले हमसे कहा कि आपका निशुल्क, मतलब कि छात्रवृत्ति बेस पे आपका एडमिशन हो रहा है और कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन जब एडमिशन ले लिया उन्होंने हमारे ओरिजिनल दस्तावेज को रख लिया, उसके बाद फिर उन्होंने हमसे चार्ज मांगना शुरू किया कि आपकी ट्रेनिंग होगी जिला चिकित्सालय में, 20,000 रुपये आपकी ट्रेनिंग के लगेंगे, उसके बाद 5,000 रुपये उन्होंने एग्ज़ाम फ़ीस के मांगे, उसके बाद फिर 1 महीने बाद उन्होंने 4,000 रुपये हमारे रजिस्ट्रेशन के, आपका लाइसेंस बन के आएगा यूनिवर्सिटी, 4,000 रुपये उसके मांगे, उसके बाद 3,000 रुपये उन्होंने हमारे स्कूल यूनिफॉर्म, मतलब वो ड्रेस वगैरह दी थी जो कॉलेज की, उसके लिए मांगे। इस तरीके से मतलब अलग अलग प्रकार से, जैसे 500 रुपये किसी फंक्शन के अलग अलग तरफ से हमसे वो पैसे मांगते हैं सर हमसे। और पढ़ाई सर पर स्टूडेंट्स अगर अपन यूँ देखें टोटल ओवरऑल सभी का मिला के, रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह सब एग्ज़ाम फ़ीस वगैरह मिला के, तो 25 से सर 30,000, और इन सभी की हमारे पास सर सैलरी स्लिप भी है। कितने लोग हैं सर मेरे साथ ही? हम 5-6 लड़कियां तो सर हम भी है, और जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं छात्राएं और छात्र सर उनकी भी यही कंडीशन है, लेकिन वो किसी ना किसी दबाव की वजह से, जैसे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट की, मैडम पेमेंट वापस नहीं दे रही हमारे मांगने पर भी, तो इस दबाव में वो सर हम चाहते हैं कि हमारे एक तो ओरिजिनल दस्तावेज मिल जाए, तो हमारा जो साल बर्बाद हुआ है तो हम दूसरे विद्यालय में जाके प्रवेश ले सके, और हमारा जो पैसा मैडम ने लिया है वो पैसा हमें मिल जाए सर। कार्यवाही तो होनी चाहिए सर, क्योंकि वो एक तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ सर खिलवाड़ कर रहे हैं। सभी छात्राओं को सर वो मानसिक रूप से प्रताड़िता भी करती हैं मैडम, अगर हमसे दस्तावेज मांगते हैं तो वो किसी ना किसी रूप से हमसे डराती धमकाती है कि नहीं अब नहीं होगा, अगर आपको एडमिशन कैंसिल करवाना है तो 2-3 लाख रुपये पूरे जो साल भर की आपकी जो छात्रवृत्ति है वो आप पहले भरो, उसके बाद आपके दस्तावेज आप ले जाओ और एडमिशन तभी निरस्त होगा। नाम क्या आपका? सर मेरा नाम किरण वर्मा है और मैं खजरी बड़ाइला से रहने वाली हूँ। और कौन है आप? मैं यही मानसर में ही रहती हूँ, और उन हम यहाँ पे बीपीटी कोर्स के लिए गए थे शाइन पैरा मेडिकल में, उन्होंने कहा था कि अभी एडमिशन के केवल 5,000 रुपये जमा करा दो, तो ये कि जब 1 साल बाद जब ट्रेनिंग होगी तब 20,000 रुपये जमा कराने, पर जब एडमिशन लिया तो उन्होंने कहा कि नहीं 20,000 रुपये भी आपको अभी जमा कराने पड़ेंगे। हाँ। और ऐसे के तो पता नहीं उन्होंने कितने कितने ऐसे पैसे मंगाते रहते थे। अब क्या चाहते हैं आप? के बस हमें हमारे डॉक्यूमेंट वापस मिल जाए और पैसे वापस मिल जाए। हाँ।